मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है वो कंप्लीट सिलेबस जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का उसको हमने डिस्कस किया है। ऑब्वियसली ये आपके ITI के फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है उसको हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। और यहाँ पर आप जो है वो इससे पहले की वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस है, कितने चैप्टर्स में जो है उसको डिवाइड किया गया है, और आपका जो NSQF लेवल का 5 का है वही पूरा सिलेबस जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं यहां से जिस चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर भिन्न की बात करते हैं तो यहां पर देखिए कि भिन्न जो है वो आपके जो कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंदर जो है अंश और हर दोनों विद्यमान हो वो भिन्न कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2/3 मैंने एक राशि लिखी है। ठीक है, एक क्वांटिटी मैंने लिख दी 2/3। तो यहाँ पर देखिए कि 2/3 में जो 2 है ये आपका अंश कहलाता है और जो 3 है ये आपका हर कहलाता है। तो अंश और हर ये दोनों विद्यमान होने चाहिए, किसी भी राशि के अंदर होने चाहिए, तो वो राशि फिर भिन्न का उदाहरण मानी जाती है। ठीक है, तो अगर किसी राशि में अंश और हर विद्यमान है तो वो भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो है भिन्न के अलग अलग प्रकारों को भी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों को हम जो है उनकी परिभाषा को देखें और फिर उसी के साथ उसके एग्जाम्पल को भी देखें, क्योंकि हमारे एग्जाम में आपको पता है ऑप्शनल एग्जाम है तो वहां पर कुछ परिभाषा लिखने के लिए नहीं आने वाली, लेकिन और ऑनलाइन एग्जाम होता है और ऑप्शनल एग्जाम होता है तो कुछ लिखने के लिए नहीं आता है। बट ये जरूर है कि हमें जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि निम्न में उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण सम भिन्न का है, या निम्न उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण है जो विषम भिन्न का है। तो अगर आपको भिन्नों के प्रकार ही नहीं पता तो आप उदाहरणों को भी अच्छे से जो है वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके पांच कैटेगरी में हमने इसे बांटा है, तो पांचों कैटेगरी को जो है वो करते हैं। जैसे कि पहले अगर मैं देखूं तो पहला जो आपकी कैटेगरी है वो है साधारण भिन्न। तो भिन्नों को अगर बांटे तो पहली कैटेगरी है साधारण भिन्न, जिसको कॉमन भिन्न भी कहते हैं या कॉमन फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसका आपके पास परिभाषा क्या है कि जब अंश और हर में दी गई राशियां जो होती हैं वो एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही होती। ठीक है, यानी उनका और ज्यादा भाग जा ही नहीं सकता, तो वे क्या कहलाती हैं, वे आपकी होती हैं साधारण भिन्न या कॉमन भिन्न। तो साधारण भिन्न या कॉमन भिन्न कौन सी है, वे राशि जिसमें अंश और हर का आपस में पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन भिन्न कहते हैं या साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं 5/3, ये एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है, 5/3 में मैंने देखा अंश 5 है और हर क्या है 3 है, तो 5/3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास में दोनों संख्याएं हैं इनमें पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा, या जिसे आप अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं हैं, इस वजह से ये पूरी भिन्न क्या हो जाएगी, ये होगी साधारण भिन्न या कॉमन भिन्न। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो 4/7 जो उदाहरण है, इसमें जो आपके पास में 4 है और 7 है, इनमें भी आपस में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या, इसका उदाहरण हो जाएगी साधारण भिन्न का ही उदाहरण होंगी। अगर मैं आगे देखता हूं, नेक्स्ट अपने पास प्रकार पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, वो है सम भिन्न का, प्रॉपर फ्रैक्शन का। सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन वे भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अंश का मान जो रहेगी, वैल्यू जो रहेगी अंश की, वो हर से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, सो इंग्लिश में बोलूं तो न्यूमिरेटर का मान जो है डिनोमिनेटर से हमेशा कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तभी वो आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो सम भिन्न में अंश का मान क्या होता है, छोटा होता है हर के मान से। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं 2/4 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप इसको और भी सरल कर सकते हो, राइट, 1/2 इसको लिखा जा सकता है, तो 1/2 सरल भिन्न हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये भिन्न आपको दे दूं और कहूं इसको सरल भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 2 की टेबल से कट रहा है, 1/2 आ रहा है, अब 1 में 2 का जो भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो उस केस का मतलब क्या हुआ कि अब भाग पूरा पूरा जब नहीं जाता है तो वो आपकी हो जाती है कौन सी भिन्न, साधारण भिन्न। तो अगर मैं यहां पर देखूं इन दोनों उदाहरणों में, तो देखिए 1/2 है ये साधारण भिन्न का भी उदाहरण हो सकता है, क्योंकि 1 में 2 का पूरा पूरा भाग तो नहीं जाता है। ठीक है, और अंश का मान हर से छोटा भी है, तो इसका मतलब 1/2 है वो साधारण भिन्न का उदाहरण भी है और सम भिन्न का उदाहरण भी है।
ठीक है। वैसे ही 2/4 जो है, 2/4 आपका सम भिन्न का उदाहरण तो है, क्योंकि इसमें अंश का मान हर से क्या है, छोटा है, लेकिन क्योंकि 2/4 को आगे फिर सरल रूप में लिखा जा सकता है, 2 का भाग 4 में पूरा पूरा जा रहा है, इट मींस आपका ये सरल भिन्न का उदाहरण फिर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जस्ट जो है ध्यान रखना है कि साधारण भिन्न की अगर मैं बात करता हूँ, कॉमन भिन्न की बात करता हूँ, तो साधारण भिन्न, कॉमन भिन्न वो भिन्न जिसमें अंश और हर का आपस में पूरा पूरा भाग ना जाए, ठीक है। और सम भिन्न कौन सी होती है, वो भिन्न जिसमें अंश का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए हर के मान से, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो भिन्न हो जाती है, सम भिन्न हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। अपने बात चलते हैं नेक्स्ट टाइप के तरफ, वो अपने पास थर्ड नंबर टाइप है, वो है विषम भिन्न। विषम भिन्न का मतलब होता है ऐसा सम भिन्न का उल्टा होगा, ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इस बार क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि सम भिन्न में क्या होता था, अंश छोटा होता था हर से, अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि हर का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा अंश से। तो अगर हर का मान छोटा हो अंश से, तब वो आपके पास कौन सी भिन्न कहलाती है, तब वो भिन्न कहलाती है विषम भिन्न कहलाती है, जिसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो अंश का मान क्या है, हर से बड़ा होता है, या मैं कहूं हर का मान छोटा होता है अंश से, एक ही बात है। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4/2 अगर मैं लिखता हूं, 4/2 में देखिए अंश का मान तो बड़ा है और हर का मान छोटा है, तो अंश बड़ा है हर छोटा है, अगर अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा तो वो विषम भिन्न का उदाहरण होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण वो होता है, ठीक है। अपने में नेक्स्ट जो है टाइप उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न में बहुत सी एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि यहाँ पे जो है वो हम पूर्ण संख्या देख लेते हैं, लेकिन जो उसके साथ भिन्न अटैच होती है वो नहीं देख पाते, वो सम है के विषम है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, पहले के लिए अपने ये चीज चेक कर लेते हैं कि मिश्रित भिन्न होती क्या है। तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है, ये किस किस से मिलके बनती है, ये एक तो पूर्ण संख्या से मिलके बनेगी, यानी एक तो पूर्ण संख्या को यूज करना है, उसके साथ में एक सम भिन्न होनी चाहिए, ये यहाँ पर देख लीजिए आप, एक सम भिन्न होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हमसे गलती होती है, हम क्या करते हैं सम भिन्न नहीं देखते, ठीक है, कोई और भिन्न दे रखी होती है, कहते हैं हाँ भाई मिश्रित भिन्न है, तो उसको मिश्रित भिन्न के रूप में एग्जैक्टली अगर लिखना है तो आपको एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और एक सम भिन्न, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, एक मिश्रित भिन्न का निर्माण करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख देता हूँ, इसके उदाहरण को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इसका उदाहरण रहता है मिश्रित भिन्न का, उसमें आप देख सकते हो जैसे पूर्ण संख्या मैंने 2 ले ली और मुझे क्या लिखनी है इसके साथ में, एक सम भिन्न लिखनी थी। सम भिन्न में आपके पास क्या था, सम भिन्न में आपको पता था कि अंश का मान जो होता है वो छोटा रहता है हर के मान से, तो अंश का मान छोटा रहता है तो मैं 2/4 ये लिख सकता हूँ, तो 2 सही 2/4 ये जो आपके पास कैसी भिन्न का उदाहरण हो गया, मिश्रित भिन्न का उदाहरण हो गया। इसमें एक तो ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 2/4 कैसी भिन्न है, सम भिन्न है। तो आप याद रखेंगे मिक्स्ड भिन्न के अंदर क्या होता है, एक तो होती है पूर्ण संख्या, एक होती है आपकी सम भिन्न, ये दोनों मिलकर के मिश्रित भिन्न का निर्माण करते हैं। अब ये 2 जो है अंकों से मिलकर बनी राशि है, तो इसलिए इसको मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट, अभी मैंने 4 ही आपको प्रकार बताए हैं, एक बार के लिए रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भिन्न है वो साधारण भिन्न का उदाहरण कब होगी, जब उसमें अंश और हर का भाग जो है एक दूसरे में पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो साधारण भिन्न का उदाहरण होती है, कॉमन भिन्न का उदाहरण होती है। अगर किसी भिन्न में अंश का मान छोटा हो हर से, तो फिर वो आपके पास में क्या कहलाती है, सम भिन्न कहलाती है। पर अगर किसी भिन्न के अंदर हर का मान जो है वो छोटा हो जाए, अंश का मान बड़ा हो, तो वो विषम भिन्न कहलाती है। पर अगर किसी कोई भिन्न जो है वो एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न से मिलकर के बनी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप है वो अपन ने देखे हैं भिन्नों के। अभी एक दशमलव भिन्न नाम से एक भिन्न और रहती है, उसे भी हम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5वीं भिन्न है, भिन्न का प्रकार जो है वो है आपके पास में दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है, वो भिन्न जिसका जो हर हो वो या तो 10 हो या 10 की घात में हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4/10 है, तो देखिए यहाँ पर अंश का मान 4 है, हर का मान 10 है, तो ये दशमलव भिन्न का उदाहरण हो जाएगा, और आप इसे दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, 1 0 है तो ऊपर एक संख्या के बाद आप क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, 0.4 आ गया। ऐसे ही अब मेरे पास एक और उदाहरण में ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3/100 दे रखा है, 100 दे रखा है, तो यहां पर देखिए 10 की घात 2 लिख सकते हैं 100 को, तो 3/10 की घात 2,
तो हमारी डेफिनेशन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि अगर हर का मान 10 की घात में हो तब भी वो दशमलव बिन का उदाहरण ही होगा। तो यहाँ पर देखिए अंश का मान 3 है और हर का मान क्या है 10 की घात 2, क्योंकि आपको पता है 10 की घात 2 का मान कितना होता है 100 ही होता है। तो 3/100 जो है वो दशमलव बिन का उदाहरण है। हम इसे दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं, आप लोग नॉर्मली इसे यूज करते भी होंगे। दो संख्याएं आपके पास दे रखी हैं, दो जीरो दे रखे हैं हर के अंदर, तो हम क्या करते हैं अंश में नीचे से दो अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ऊपर तो एक ही संख्या है, तो इस संख्या के आगे हम जीरो मान सकते हैं। तो जैसे 3 और इसके आगे मैंने 0 माना और फिर ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और इसके आगे भी 0 लिख सकते हैं। पॉइंट से आगे 0 लिखने का कोई वैसे मतलब नहीं है, बट ठीक है हम यहाँ लिख दिया है। और किसी संख्या के आगे 0 लगता है उस संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि 10 की घात 2 था तो हमें क्या करना था, अंश में दो अंकों के बाद पॉइंट लगाना था, लेकिन ये तो एक ही अंक दे रखा है अंश में, इसीलिए हमको ये वाला 0 लगाना पड़ा, फिर हमने ये पॉइंट लगा दिया। तो इसको इस प्रकार से दशमलव के रूप में भी आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर 5 प्रकार जो है वो भिन्न के सीखे हैं। पांचों प्रकार में से क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि दशमलव भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न कौन सी होती है, सम भिन्न कौन सी होती है। आपको तो जस्ट क्या होता है कि उदाहरण पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा उदाहरण दशमलव भिन्न का है, कौन सा उदाहरण है वो आपका सम भिन्न का है, कौन सा विषम भिन्न का है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके जो प्रकार में से आते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में से आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख भी लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रखा है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके देखिए इस चैप्टर से आते भी हैं, इस सेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी भिन्न जो है वो सम भिन्न का उदाहरण है। सम भिन्न में हमें क्या पता है कि सम भिन्न में हमने देखा था कि जो अंश है वो छोटा होना चाहिए हर से, तो वो आपकी सम भिन्न का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4/7 चार अंश है, जो ऊपर लिखी जाती है संख्या वो अंश होती है, जो संख्या नीचे लिखी जाती है वो हर होती है। तो अंश का मान जो है वो छोटा है किससे, हर से, यानी कि ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। आगे के ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, आगे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अंश का मान यानी अंश में यहाँ पर 3 है, हर में यहाँ पर 2 है, तो अंश बड़ा है, यानी ये जो है आपका एग्जाम्पल जो है वो नहीं है सम भिन्न का, ये एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर 4/10 अगर किसी के हर में 10 हो या 10 की घात हो तो वो दशमलव भिन्न होती है, तो ये भी सम भिन्न नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 4/7, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। आप जो है वो इस वीडियो के बाद में कुछ क्वेश्चंस लेना, कुछ भिन्न लेना, और उन भिन्न को आप जो है वो देखना, चेक करना कि वो सम भिन्न है या विषम भिन्न है या मिश्रित भिन्न है या कौन सी किस टाइप के, यानी 5 प्रकार आपने पढ़े हैं, 5ों प्रकार में से वो कौन से प्रकार के अंदर वो भिन्न आती है। तो जब कभी भी आप कोई भिन्न देखें तो उसके अंदर ये चीज उसको जरूर चेक करें कि वो किस प्रकार में आती है। एक बार ये चीज चेक करोगे तो आपका जो 5ों प्रकार है वो आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार दो बार आप पढ़ोगे तो आसानी से आप जो है इस पर पकड़ बना लोगे, ठीक है। तो दिस इज इट, ये हमारी वीडियो थी। तो अगर आपको जो है इस वीडियो को, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है, आपका कुछ सुझाव है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम जो है कल जो है इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। आज तो हमने बस प्रकार पढ़े हैं भिन्नों के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।